नमस्ते यूनिटी प्रोग्रामर्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं और बनाने वाले हैं अपना खुद का एक 3D इन्फिनाइट जॉम्बी शूटर गेम यूनिटी का यूज़ करके। तो चलिए फिर जल्दी से देख लेते हैं कि कैसे हम ये गेम क्रिएट करने वाले हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं हमें इस गेम को बनाने के लिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। तो इस गेम को बनाने के लिए हमें चाहिए एक प्लेयर एंड इसके अपोनेंट में हमें चाहिए एक जॉम्बी और आप डिफेंडर कह सकते हैं। एंड इसके साथ ही साथ हमें एक राइफल गन चाहिए जिससे प्लेयर शूट करेगा हमारे जॉम्बी को। कैफीन रॉयल चाहिए जिसमें से हमारे जॉम्बी जो है वो स्पॉन होंगे। एंड इसके अलावा हमें दो टूल्स की ज़रूरत है, सिने मशीन और प्रो बिल्डर। सिने मशीन हम अपने प्लेयर के साथ ऐड करेंगे एंड प्रो बिल्डर का यूज़ करके हम अपने लेवल्स को क्रिएट करेंगे गेम में। एंड लास्ट हमें एक फ्रेश नया यूनिटी प्रोजेक्ट चाहिए यूनिवर्सल रेंडर पाइपलाइन टेम्पलेट का यूज़ करके। सो चलिए अब जल्दी से शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो सबसे पहले हमें एक यूनिवर्सल रेंडर पाइपलाइन का यूज़ करके एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है यूनिटी में। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को। तो मैंने यहाँ पे 3D इन्फिनिटी शूटर नाम दिया है। किसी भी लोकेशन में अपने फोल्डर में आप इसे सेव कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को। तो प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया, इसके बाद हमें नया सीन ऐड करना है। तो सीन क्रिएट करने के लिए हमें राइट क्लिक करना है, क्रिएट पे जाना है एंड सीन पे क्लिक करके नया सीन ऐड करना है। अपने सीन को आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने यहाँ पे इन्फिनिटी शूटर नाम दिया है एंड इसे क्लिक करके ओपन कर लेंगे। एंड इसके बाद अब हमें प्लेयर चाहिए जिसे हम ऐड कर सकें अपने इस गेम प्रोजेक्ट में। तो हमें प्लेयर कहाँ से मिलेगा, हमें प्लेयर को डाउनलोड करने के लिए गूगल पे जाना है। सो क्लिक करना है गूगल पे एंड यहाँ पे टाइप करना है मिगजामो। मिगजामो वेबसाइट है जहाँ पे आप किसी भी तरह के मॉडल और एनिमेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। लॉग इन करना है, अगर आपने पहले से आईडी नहीं बनाई है तो आपको साइन इन करना पड़ेगा। यहाँ पे जब आप कैरेक्टर पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे आपको यहाँ पे कैरेक्टर्स मिल जाएंगे। मैंने यहाँ पे एक गैस मास्क कैरेक्टर चूज़ किया है, ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो आप चाहे तो आप भी सेम यही यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप कोई भी मॉडल यूज़ कर सकते हैं, आप बिल्कुल फ्री हैं इसके लिए। डाउनलोड पे क्लिक करना है आपको अपने कैरेक्टर को डाउनलोड करने के लिए। फॉर्मेट जो है हमें वो यूनिटी यूज़ करना है, सो FBX फॉर यूनिटी। एंड पोज जो है वो टी पोज ही हमें रहने देना है। डाउनलोड पे क्लिक करना है, इसे डाउनलोड करना है एंड इसके बाद हमें एनिमेशंस को डाउनलोड करना है अपने प्लेयर के। तो यहाँ पे हम पूरा का पूरा पैक डाउनलोड करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है पैक। सो यहाँ से हमें पूरा एक राइफल शूटर का पूरा पैक में अवेलेबल हो जाएगा। तो प्रो राइफल पैक पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कॉन्टीन्यूअस यहाँ पे जितने भी एनिमेशंस हैं इस पैक के अंदर वो प्ले होते जा रहे हैं। इसके बाद हमें डाउनलोड पे क्लिक करना है। फॉर्मेट जो है वो यूनिटी का ही रखना है, टी पोज, एंड जो की फ्रेम है वो नन रखना है एंड डाउनलोड पे क्लिक करना है। सो इस तरह से हम अपने प्लेयर को डाउनलोड कर लेंगे। हमें एनिमी को भी इसी तरह से डाउनलोड करना है बट हम उसे अभी डाउनलोड नहीं करेंगे। सो हमें टेरेन क्रिएट करना है, तो उसके लिए आपको 3D ऑब्जेक्ट पे जाना है एंड टेरेन पे क्लिक करके टेरेन क्रिएट करना है। इसकी विड्थ और लेंथ काफ़ी लंबी है। सो हमें इंस्पेक्टर में जाना है एंड सेटिंग में जाना है। यहाँ से नीचे आपको यहाँ पे इसकी टेरेन विड्थ और लेंथ को कम करना है। सो 1000 से मैंने 500 पे सेट किया है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब अगेन विड्थ को 500 करना है तो ये अब छोटा हो गया है हमारे अकॉर्डिंग। कैमरे को सेट करना है हमारे टेरेन के अकॉर्डिंग सो दैट हम प्लेयर को अच्छे से देख पाए। सो नाउ अब जो हमने एनिमेशन फाइल डाउनलोड की है उसे आपको एक्सट्रैक्ट करना है एंड अनजिप करना है एंड देन प्लेयर के मॉडल और सारे एनिमेशंस को हमें सिंपली कॉपी करना है एंड इसे छोटा करेंगे थोड़ा और अपने यूनिटी के अंदर आके एक नया फोल्डर क्रिएट करेंगे प्लेयर एनिमेशंस के और प्लेयर मॉडल के नाम से। एंड देन इसके अंदर फिर हमने जितने भी एनिमेशंस है मॉडल है उसे यहाँ पे सिंपली
ड्रैग करना है एंड कॉपी पेस्ट कर देना है। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं सारे मॉडल हमें सारे एनिमेशंस हमें अवेलेबल हो गए हैं मॉडल के साथ। तो फर्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारा प्लेयर मॉडल है। रिग पे क्लिक करना है एंड जर्निक से ह्यूमनॉइड पे आपको इसे चेंज करना है एंड इस क्रिएट फ्रॉम दिस मॉडल पे क्लिक करना है एंड देन अप्लाई पे क्लिक करना है आपको। एंड इसके बाद आपको एनिमेशन में आना है एंड अप्लाई पे क्लिक करना है सो दैट आपने जितने भी चेंजेस किए हैं वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। इसके बाद आपको इसे ड्रैग करके ऐड करना है अपने यूनिटी अपने सीन में। सो अगर आप पोजीशंस को 0 0 0 कर देंगे तो ये बहुत इजी होगा आपको अपने कैरेक्टर को फाइंड करना अपने सीन व्यू में। सो इसे ड्रैग करके हम टेरेन के अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कर लेंगे। एंड इसके बाद हमें क्या करना है, इसके मटेरियल के लिए एक नया फोल्डर क्रिएट करना है ताकि हम अपने प्लेयर के मटेरियल को एक्सट्रैक्ट कर सके। सो यहाँ पे हमें एक फोल्डर क्रिएट करना है प्लेयर के नाम से मटेरियल के अंदर एंड देन प्लेयर मॉडल्स में जाना है, अपने कैरेक्टर को चूज़ करना है एंड मटेरियल में जाएंगे तो एक्सट्रैक्ट मटेरियल और एक्सट्रैक्ट टेक्सचर दोनों का ऑप्शन आएगा। आपको एक्सट्रैक्ट मटेरियल पे क्लिक करना है, फोल्डर को चूज़ करना है एंड इसे एक्सट्रैक्ट करना है। सो इस तरह से आप इजीली इसके मटेरियल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फोल्डर को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अब आप देखेंगे जब टेक्सचर में जाएंगे तो आपको सारे टेक्सचर अवेलेबल हो जाएंगे। सेम हमें मटेरियल के लिए भी किया है तो जब आप इसे मटेरियल को ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे ब्लैक कलर का ये आपको कुछ दिख रहा है मटेरियल। सो आपको ड्रैग करना है सब जगह एंड इसे अप्लाई करना है। सो यहाँ पे हमें हमारा अच्छा खासा प्लेयर जो है वो मिल गया है। देन इसके बाद हमें अपने प्लेयर को कंट्रोल करना है तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट किया है कंट्रोलर एंड इसके अंदर हमें जाना है, राइट क्लिक करना है, क्रिएट में जाना है एंड एक एनिमेटर कंट्रोलर को ऐड करना है। इसे रीनेम करना है प्लेयर कंट्रोलर और प्लेयर मूवमेंट, जो भी आप चाहें वो नाम दे सकते हैं एंड प्लेयर में जाके इसे कंट्रोलर में एनिमेटर के अंदर ऐड कर देना है। जब आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपको ये कुछ इस तरह का दिखेगा सो दैट इसके थ्रू आप अपने प्लेयर को आप कंट्रोल कर सकेंगे एनिमेशंस कोई भी जब ऐड करेंगे तब। देन इसके बाद आपको एनिमेटर विंडो में आना है एंड यहाँ पे जब आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्रिएट स्टेट पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एम्प्टी और फ्रॉम न्यू ब्लेंड ट्री दो ऑप्शन मिलेंगे। हमें फ्रॉम न्यू ब्लेंड ट्री पे क्लिक करना है। देन ब्लेंड ट्री पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का कुछ आपको दिखेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे जब प्रेस प्ले करेंगे तो यहाँ पे हमारा प्लेयर जो है वो सही से वर्क नहीं कर रहा है। वो इसलिए क्योंकि जब आप एनिमेशंस पे आएंगे तो जो हमारा एनिमेशन टाइप है वो जेनरिक है जबकि वो ह्यूमनॉइड होना चाहिए था। तो उसके लिए आपको सारे एनिमेशंस को सेलेक्ट करना है एंड जेनरिक पे जाके उसे ह्यूमनॉइड करना है, इसे चेंज करना है कॉपी फ्रॉम अदर मॉडल एंड जो सोर्स है जो प्लेयर मॉडल है उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। सो सेलेक्ट दिस एंड अप्लाई। सो नाउ जब आप यहाँ पे अब प्रेस प्ले करेंगे तो इसके बाद अगेन जब आप यहाँ पे प्रेस प्ले करेंगे एनिमेशंस पे तो यहाँ पे देख रहे हैं जो आपका प्लेयर है वो सही से वर्क करने लगा है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको हमें जो है फॉरवर्ड और बैकवर्ड दो एनिमेशंस को ऐड करना है अपने ब्लेंड ट्री के साथ। तो ब्लेंड ट्री में हमें जाना है ऐड पे, प्लस पे क्लिक करेंगे तो आप मोशंस फील्ड को ऐड कर सकते हैं। सो हमें पहले वॉक बैकवर्ड को ऐड करना है। सो यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे जो क्लिप फाइल है उसको रीनेम करना है। सो क्लिक करके मैंने यहाँ पे इसे नाम दिया है वॉक बैकवर्ड। सेम हमें फॉरवर्ड के साथ भी करना है, क्लिक अप्लाई एंड देन अगेन हमें जो है यहाँ पे जब आप प्रेस प्ले करेंगे तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि ये हमारा जो प्लेयर है वो बैकवर्ड साइड रन कर रहा है। सेम यही चीज़ हमें वॉक फॉरवर्ड के साथ करनी है, क्लिक करना है, क्लिप पे क्लिक करना है एंड इसे रीनेम करना है वॉक फॉरवर्ड एंड देन अप्लाई पे क्लिक करना है हमें एंड इस क्लिप को हमें ऐड करना है हमारी ब्लेंड ट्री के साथ। सो ब्लेंड ट्री में जस्ट क्लिक एंड ऐड। तो नाउ जब आप ब्लेंड ट्री में देखेंगे दो हमने फील्ड को ऐड कर दिया है। तो यहाँ से आप अपने ब्लेंड ट्री को कंट्रोल कर सकते हैं फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, यहाँ से देख रहे हैं आप।
तो ये मोशन जो है वो काफ़ी तेज़ हो रहा है, तो हमें वो क्लियरली दिख नहीं रहा है। जब आप यहाँ पे प्रेस प्ले करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जो प्लेयर है वो सिर्फ वन स्टेप बैक आ रहा है। सो प्रेस प्ले, तो यहाँ से देख रहे हैं आप, ये हमारा जो है वो वन स्टेप सिर्फ ओनली बैक आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि हमने जो है लूप पोस्ट को टिक नहीं किया है। तो आपको वॉक फॉरवर्ड को सेलेक्ट करना है एंड यहाँ पे जो लूप टाइम है उसे टिक करना है एंड अप्लाई करना है। सेम हमें बैकवर्ड के साथ करना है, लूप पोस्ट को टिक करना है, अप्लाई करना है। सो अब देखेंगे आप जब प्रेस प्ले करेंगे, आपका कैरेक्टर जो है वो कॉन्टिन्यूसली पीछे के साइड चलता जा रहा है। सो सेम यही हमें वॉक लेफ्ट और वॉक राइट के लिए भी करना है। नो, उससे पहले जो है हमें एक आइडल ऐड करना है, आइडल का एनिमेशन। सो यहाँ पे भी हमें वही चीज़ करना है, आइडियल क्लिप पे आनी है, इसे रीनेम करना है। मैंने इसे राइफल आइडियल के नाम से इसे सेव करना है, चेंज करना है एंड अप्लाई करना है। इसके बाद इससे क्लिप को हमें ऐड करना है एंड जो आइडियल की एनिमेशन क्लिप है उसे हमें बीच में लाना है फॉरवर्ड और बैकवर्ड के। सो यहाँ पे आप देखेंगे जब आप यहाँ से ब्लेंड ट्री में कंट्रोल करेंगे, नाउ आइडियल एंड वॉक फॉरवर्ड, यहाँ पे जो थ्रेशोल्ड है इसे एंटिक करना है एंड जो वॉक बैकवर्ड है उसे -1 और फॉरवर्ड को 1। यानी जब फॉरवर्ड है तो +1 वैल्यू है, बैकवर्ड जा रहा है पीछे तो -1 वैल्यू है। देन इसके बाद हमें इसमें जो है वॉक लेफ्ट और वॉक राइट का भी एनिमेशन ऐड करना है। तो उसके लिए हमें ब्लेंड टाइप जो है वो टू डी सिंपल डायरेक्शनल में चेंज करना होगा, बिकॉज हमें चारों डायरेक्शन में अपने अपने प्लेयर को मूव करना है। जब यहाँ पे आप वॉक लेफ्ट को चूज़ करेंगे, सो वॉक लेफ्ट के लिए भी हमें सेम चीज़ करना है, एनिमेशन क्लिप के नाम को चेंज करना है वॉक लेफ्ट एंड लूप टाइम को चेक करना है एंड अप्लाई करना है एंड ब्लेंड ट्री पे क्लिक करके अगेन हमें वॉक लेफ्ट के एनिमेशन क्लिप को ऐड करना है। सेम यही चीज़ हमें वॉक राइट के साथ करनी है, एनिमेशन क्लिप को चेंज करना है, लूप टाइम को चेक करना है एंड अगेन हमें वॉक राइट की एनिमेशन क्लिप को ऐड कर देना है। सो जब यहाँ पे आप ब्लेंड ट्री से अपने एनिमेशन को कंट्रोल करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो कैरेक्टर है वो नीचे के साइड डाउन साइड वो चला जा रहा है और गायब हो जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि ब्लेंड टाइप जो है हमें वो 2D सिंपल डायरेक्शनल पे रखना है, सो दैट हमारा जो कैरेक्टर है वो चारों डायरेक्शंस में मूव कर सके। नाउ यहाँ पे जो ब्लेंड टाइप है यहाँ पे क्लिक करना है आपको एंड इस ब्लेंड टाइप को हमें यहाँ पे रीनेम करना है वेलोसिटी एक्स, मतलब हॉरिजॉन्टल एक्स डायरेक्शन में, एंड अगेन हमें एक फ्लोट पैरामीटर क्रिएट करना है जिसे वेलोसिटी वाई नाम देना है, ओके, वर्टिकल डायरेक्शन में। एंड जो वेलोसिटी एक्स पहला है ब्लेंड टाइप और दूसरा है वेलोसिटी वाई, इसे चेंज करना है। देन यहाँ से अब आप देखेंगे आप अभी भी जो है हमारा प्लेयर वो सही पोजीशन पे नहीं है। वो इसलिए क्योंकि हमने पोजीशन एक्स और पोजीशन वाई की वैल्यू को डिफाइन नहीं किया है। सो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, जो वॉक फॉरवर्ड है उसे 1 करना है, +1 वैल्यू देनी है एंड देन इस यहाँ से आप देख रहे हैं हमने +1 दिया है फॉरवर्ड को। इसके बाद हमें वॉक जो बैकवर्ड है उसे जो है -1 देना है। सो इसे हम नीचे लाएंगे, सबसे पहले आइडियल, फिर फॉरवर्ड, बैकवर्ड, -1 एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं +1 एंड -1, ये है जो है हमारी वर्टिकल पोजीशन है। एंड इसके बाद हमारा जो वॉक लेफ्ट है मतलब हॉरिजॉन्टल जो है वो -1 है लेफ्ट और राइट जो है वो +1 वैल्यू। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप चारों डायरेक्शन में हमने अपने प्लेयर के मूवमेंट के लिए पोजीशंस को ऐड कर दिया है। अब आप जब यहाँ से वेलोसिटी वाई और वेलोसिटी एक्स को मूव करेंगे ब्लेंड ट्री के थ्रू, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आपका कैरेक्टर जो है वो कॉन्टिन्यूसली अच्छे से मूव कर रहा है चारों डायरेक्शन में, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, +1 वैल्यूज और माइनस वैल्यूज। तो यहाँ से आई गेस आप समझ रहे हैं कि क्यों हमने 2D सिंपल डायरेक्शन में चेंज किया एंड कैसे आप वेलोसिटी एक्स और वेलोसिटी वाई को
को ब्लेंड ट्री के थ्रू यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो हमारा कैरेक्टर है वो एनिमेशन ऐड हो गया है। इसके बाद हमें अपने टेरेन को थोड़ा सा कलरफुल बनाना होगा सो दैट ये हमें थोड़ा अच्छा लगे। तो उसके लिए अब हमें क्या करना है, हमें टेक्सचर को ऐड करना होगा। एसेट स्टोर में जाना है आपको एंड यहाँ पर टेरेन टेक्सचर के पैक को चूज़ करना है। सो टेरेन टेक्सचर मैंने ये वाला चूज़ किया है, इस पर क्लिक करना है आपको। टेरेन टेक्सचर फ्री वर्जन ही यूज़ करते हैं पैक का, सो ये ठीक है। सो इसे क्लिक करके आपको डाउनलोड करना है, इंपोर्ट करना है अपने प्रोजेक्ट में। एंड इसके अलावा मैंने एक और पैक डाउनलोड किया है, वो है हमारा ये 5 सीमलेस टाइलेबल ग्राउंड टेक्सचर। सो इसे भी आपको क्लिक करके डाउनलोड करना है। एंड इसके बाद हमें अपने टेरेन में आना है, पेन टेक्सचर को चूज़ करना है एंड एडिट लेयर में जाना है। टेरेन लेयर में जाएंगे तो आपको यहाँ पे क्रिएट और ऐड दो ऑप्शन मिलेगा, हमें क्रिएट न्यू लेयर पे क्लिक करना है एंड अपने टेक्सचर को चूज़ करना है। मैंने ये वाला चूज़ किया है। सो यहाँ से आप देख रहे हैं, आप कंट्रोल कर सकते हैं। एंड ये जो है हमारी ग्रिड है, जो आपको क्यूब्स जो ब्लॉक्स दिखते हैं हमारे ट्रेन के ऊपर, तो ये आपके ग्रिड है। तो यहाँ से आप ओपेसिटी के थ्रू इसे चाहिए तो कंट्रोल कर सकते हैं, तो मैंने इसे गायब कर दिया है। सो यहाँ से हम जो है एक और लेयर को चूज़ करेंगे एंड उस पर क्लिक करेंगे एंड उस लेयर को चूज़ करेंगे जिसका कलर हमें अपने ट्रेन पे चाहिए। सो इस तरह से आप इसे आप कलरफुल बना सकते हैं। मैं बहुत अच्छी नहीं हूँ आर्ट्स में तो ये ठीक है। अगेन हम एक लेयर चूज़ करेंगे, दिस वन ग्रे समथिंग। सो थोड़ा सा इसे पेंट करेंगे, क्लिक करना है एंड ड्रैग करते जाना है जहाँ पे भी आप अपने टेरेन पे उसे कलर देना चाहते हैं, पेंट करना चाहते हैं। सो इस तरह का कुछ मैंने क्रिएट किया है, आप भी इस तरह का कुछ क्रिएट कर सकते हैं। प्लेयर पे आप क्लिक करेंगे तो क्लोज से आपको इस तरह का कुछ लगेगा। तो अब यह थोड़ा बढ़िया लग रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब आप प्रेस प्ले करोगे गाइस, सो इस तरह का आपको कुछ दिखेगा। सो हमने जो है अभी इस वीडियो में इतना ही गाइस, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। हम कोशिश करेंगे कि वीडियो को छोटा सा छोटा और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करें आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि एक्चुअली में कैसे आप अपना खुद का गेम क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम अपने प्लेयर को मूव करा सकते हैं, एनिमेशन को ऐड कर सकते हैं, स्क्रिप्ट के थ्रू कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सो तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में गाइस। सो तब तक के लिए बाय बाय।